भिवानी निवासी और भिवानी की सबसे उम्र दराज महिला सावित्री का जन्म दिवस मनाया। सावित्री 100 वर्ष की हो गई। उनके जन्म दिवस पर न केवल 100 व्यक्तियों का पूरा कुनबा एकत्रित हुआ बल्कि शहर के भी लोग सावित्री को अपनी पलकों पर बैठाए हुए। कितने बेटे कितने पोते हैं? 4 बेटे पोते 7। कहाँ से आई थी आप यहाँ? लाहौर से। लाहौर से कौन से साल में? कौन से साल में? ये हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हुआ ना। अच्छा जी। जिससे पहले आगे। मेरा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र जी क्या कहेंगे अपनी माँ के बारे? भाई ऐसी माँ सबको मिले। किस तरह से पाला पोसा आप लोगों को? बहुत अच्छी तरीके से पाला पोसा। बहुत हिम्मत देती रहती हैं। ईमानदारी से जीने की हमेशा सिखाती हैं। परोपकारी का सिखाती हैं। दूसरों की भलाई करो। क्या दिनचर्या? दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या मेरी ना माँ की, माँ की बढ़िया रहती है। पूजा पाठ करती हैं और बच्चों के साथ अपना खेलना कूदना। बच्चे इनके साथ खेलते कूदते हैं। कोई खास बात अभी जो इनकी अच्छी लगती हो? नहीं तो बुढ़ापे में लोग इरिटेट हो जाते हैं, बच्चे भी इरिटेट होने लगते हैं। नहीं, इनकी तो खास बात ये है कि ये सबके साथ बहुत अच्छे से रहती हैं। अब इस टाइम हम 7 बहने हैं, 4 भाई हैं। मैं, मेरे से बड़ा एक भाई है, मैं उससे छोटी हूँ। फिर हम 7 बहने हैं एक साथ, उसके बाद ये भाई है। आपका नाम? मेरा नाम चंद्र प्रभा, चंदा बोलते हैं। चंदा जी क्या कहेंगे अपनी माँ के बारे? मेरी माँ बहुत अच्छी है। मेरी माँ को जितनी ममता किसी को नहीं होगी इतनी ममता। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 67 साल। कभी कोई ऐसी बात जो माँ की आपको याद हो? माँ की तो बात याद ही रहती है हमेशा। भजन वजन खूब अच्छे गाती हैं, गीत खूब अच्छे गाती हैं। हाँ, बहुत भजन बहुत अच्छे गाती हैं।